नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों हमने इससे पहले बात करी थी शिक्षा की और उसके बाद में बात करी थी मनोविज्ञान की, यानी कि दोनों अपने आप में क्या हैं, अलग चीज़ें हैं। शिक्षा का बेसिक अर्थ वो क्या है, व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना। वहीं पे मनोविज्ञान क्या करता है, वो करता है व्यवहार का अध्ययन। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और अब अपन क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देंगे और इसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान बोला जाता है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, शिक्षा क्या है, वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर, चेंजिंग इन द बिहेवियर। वहीं पे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, दोनों में जो है वो जो है माइनर जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आने से शिक्षा के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं, वो आज अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले जो है शिक्षा कैसे होती थी, पहले मारना कूटना मूल्यांकन करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा ओड था। ठीक है, अब अपन ने क्या कर दिया, इसके अंदर जो है साइकोलॉजी शामिल कर दी। साइकोलॉजी के आने के बाद जो है एजुकेशन का जो पर्पज हो गया वो चेंज हो गया और एक जो शिक्षा होती है वो कैसी हो गई, बालक केंद्रित हो गई, यानी कि स्टूडेंट सेंटर जो है एजुकेशन हो गई। तो दोस्तों साइकोलॉजी से शिक्षा के अंदर काफी परिवर्तन जो है देखने को मिले हैं। आज दोस्तों इन परिवर्तनों की बात अपन करने वाले। सबसे पहले अपन जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है, शिक्षा, और दूसरा है मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो है मनोविज्ञान उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान बोल देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो शैक्षणिक यानी कि शिक्षा से संबंधित परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, उनमें मानव में किस प्रकार जो है चेंजेज आए हैं, उन्हीं का जो अध्ययन किसमें करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। जैसे दोस्तों सरकारी स्कूलों में जो टीचरों का व्यवहार होता था पहले कैसे होता था, मारना कूटना, यानी कि टीचर बच्चे को मार के सिखाया जाता था। लेकिन मनोविज्ञान आने के बाद अपन ने क्या सीखा कि बच्चे को जो है वैसे भी सिखाया जा सकता है बिना मारे भी। ठीक है, पनिशमेंट के बिना भी जो है एजुकेशन दी जा सकती है। आज जो है स्टडी जो है उसका पर्पज़ जो है विदाउट बर्डन हो गया, यानी कि बिना किसी जो दबाव के भी जो शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि अपने जो तौर तरीके हैं उसके अंदर सुधार करके। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ टीचरों को क्या कर रहे हैं, वो नीदरलैंड भेज रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं, वहाँ पे टीचरों को क्या दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप जो है पढ़ाने के तरीके के अंदर क्या लेके आओ, कुछ चेंजेस लेके आओ, जिससे एजुकेशन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और बच्चे जो है इसके प्रति जो है अट्रैक्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या है, मनोविज्ञान का शिक्षा के अंदर प्रभाव है। मनोविज्ञान जो है शिक्षा के अंदर आने से एजुकेशन के अंदर काफ़ी चेंजेज देखने को मिले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक क्या है, अपने आप में एक शाखा है। दोस्तों ये ऑल ओवर एक रोटी है, रोटी का एक छोटा सा टुक अपने आप में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये रोटी क्या है, मनोविज्ञान, और एक छोटा सा टुक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि अपने आप में एक ब्रांच है किसकी, साइकोलॉजी की, शिक्षा मनोविज्ञान। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 से देखने को मिली है। अब साइकोलॉजी अपने आप में बहुत पुराना क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि इस सब्जेक्ट का, यानी कि इस शाखा का जो विकास है वो देखने को मिले कब मिलता है, 90s के अंदर, यानी कि 1900 के अंदर जो है इस सब्जेक्ट का जो है उद्भव देखने को मिलता है। वही बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसको मानते हैं अपन दोस्तों एडवर्ड थॉर्नडाइक को। दो थॉर्नडाइक है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जो है शिक्षा को, मनोविज्ञान को किस में लेके आए, वो शिक्षा के अंदर लेके आए। थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, शिक्षा के अंदर प्रथम जो मनोविज्ञानी कौन माने जाते हैं, थॉर्नडाइक माने जाते हैं। 1920 में शिक्षा में मनोविज्ञान को अलग शाखा के रूप में क्या दे दी गई, एक पहचान दे दी गई, एक अलग दर्जा दे दिया गया कि मनोविज्ञान का कुछ फ़ायदा जो है एजुकेशन के अंदर उठाया जा सकता है। तो उसी के तहत 1920 में जो है इसको मान्यता प्राप्त हुई। शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका थॉर्नडाइक ने, जूड ने, टर्मन ने दोस्तों क्या दिया था, IQ का एक फॉर्मूला दिया था। स्टैनली हॉल जो है वो
किशोर मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है किसके अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो ये दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाई, शिक्षा मनोविज्ञान में निभाई। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि एजुकेशन क्या है और साइकोलॉजी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। तो दोस्तों एजुकेशन अपने आप में क्या है, व्यवहार के अंदर परिवर्तन है अपना। यदि आप एजुकेशन लेने के बाद कुछ आप में परिवर्तन आता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो आपको क्या निशानी है कि आपने एजुकेशन अच्छी प्राप्त करी है। यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आते ही आपने क्या हो गया कि आपकी जो एजुकेशन है वो अच्छी हुई है। कहते ना अच्छी तालीम जो है अच्छे नागरिक पैदा करती है। तो दोस्तों शिक्षा क्या करती है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है। वहीं पे मनोविज्ञान क्या करती है, उसी व्यवहार का अध्ययन करती है कि इसके अंदर जो है व्यवहार किस प्रकार चेंज हुआ है और किसके कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन आया है। इसी चीज़ का अध्ययन कौन करता है, वो करता है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। फिर दोस्तों शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहकर अपन क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अपन मनोविज्ञान का अध्ययन अपन समाज में रहकर नहीं कर सकते। इसका अध्ययन जो है वो कहाँ कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से ही कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। वहीं पे शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, पिछली कक्षा में अपन ने बात करी थी कि ये क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है। ये स्कूल किसी संस्था या फिर कॉलेज के अंदर ग्रहण की जा सकती है, घर परिवार और दोस्तों के संग भी जो है शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, लेकिन मनोविज्ञान का जो है अध्ययन अपन क्या परिवार या अड़ोस पड़ोस में नहीं कर सकते। तो मनोविज्ञान जो है वो कैसा विज्ञान है, वो मनोवैज्ञानिक है और वो किसी संस्था में कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। कौन सी, मनोविज्ञान, और ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। ये व्यवहारिक है, यानी कि व्यवहार से जो है शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन मनोविज्ञान जो है व्यवहार से नहीं आता, वो तो अपने आप में क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। तो दोनों में दोस्तों मोस्टली जो है डिफरेंस जो है ये देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान को दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान बोल देते हैं। विज्ञान कला दोनों है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर वो क्या है, साइकोलॉजी है। वहीं पर चेंजिंग इन द बिहेवियर वो क्या है, एजुकेशन है। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि वो अपने आप में एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक साइंस एंड आर्ट, यानी कि विज्ञान कला और ये दोनों है। वहीं पे बात करें व्यवहार का परिवर्तन व अध्ययन दोनों जो है शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसके अंदर क्या आ गई, व्यवहार में परिवर्तन और यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन, तो दोनों को शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। इसके बाद में अपन बात करें शिक्षा को मनोविज्ञान ने बाल केंद्रित किया है, यानी कि एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी जुड़ने के बाद जो है स्टडी कैसी होगी, इस स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। इससे पहले क्या थी, टीचर सेंटर्ड जो है स्टडी होती थी, लर्निंग होती थी, लेकिन अब साइकोलॉजी के शिक्षा के अंदर आने के बाद जो है कुछ चेंजेज देखने को मिले हैं। एक स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये बेनिफिट किससे हुआ है, वो हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी से। इसके बाद में अपन दोस्तों इसके नेचर की बात करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर किस प्रकार से देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मिल रहे एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो किस प्रकार की है। तो दोस्तों यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पर आप जुड़ना चाहते हो हमसे टेलीग्राम के ऊपर, तो हमारा चैनल बना हुआ है दी अर्थ के नाम से, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं नया टॉपिक का शुभारंभ, यानी कि इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक प्रोसेस। कैसे, तो जिस प्रकार से वैज्ञानिक विभिन्न खोजों के माध्यम से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो खोज करते हैं और उनमें जो है क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते रहते हैं और फिर क्या करते हैं, समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसे ही एक जो टीचर होता है वो भी स्कूल के अंदर, या एक स्टूडेंट को आने वाली समस्या होती है उनका क्या करता है, समाधान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गई, वैज्ञानिक प्रक्रिया हो गई।
पहले दोस्तों टीचर जो क्या करते थे, मार कूट के बच्चों को क्या करते थे, सेट करते थे कि ऐसे जो है सीखने का एक तरीका है। लेकिन दोस्तों शिक्षा के अंदर, शिक्षा क्या है, अपने आप में सिखाना और सीखना है। मनोविज्ञान क्या है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो दोस्तों शिक्षा के अंदर जब से मनोविज्ञान आया है, बच्चे जो है, यानी कि एजुकेशन हो गई स्टूडेंट सेंटर्ड। पहले क्या था, मार कूट के बच्चों को शिक्षा देना, तो वो काम था खराब। लेकिन अब क्या हो गई, शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान आने के बाद में जो है रिवोल्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि अपन किसी चीज़ का, यानी किसी समस्या है तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, या अधिगम करता, यानी कि बोले हम बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको सोल्व कौन करता है, शिक्षक करता है, और कैसे करता है, साइंटिफिक तरीके से। तो उसी को क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस है। अपन साइंटिफिक जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और सिद्धांतों के थ्रू जो है वो अपन व्यवहार में परिवर्तन लेके आते हैं। जैसे किसी प्रकार के कोई भी बच्चा है, उसको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो जो टीचर होता है ना, वो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के या एनालिटिक करके उसमें जो है उसको सुधार करने की कोशिश करेगा, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा, और किसके थ्रू, साइंस के थ्रू। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान को क्या बोला गया है कि ये अपने आप में क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान इसको बोला गया है। विधायक विज्ञान क्या होता है, अब ये होता है क्वांटिटेटिव साइंस इसको बोला जाता है। यानी कि अपन बकलोल नहीं करते शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, अपन तो तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर तथ्यों या फैक्ट्स के आधारित इसको विज्ञान माना गया है। जैसे अपन बात करें, कोई भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या आती है तो जो टीचर होता है ना, वो उसको सिखाने के तौर तरीके जो है डेवलप करता है, विधियां लेके आएगा कि इसको तथ्य के आधार, यानी कि अपन गलत चीज़ उसको नहीं बताएंगे, कहानियों के थ्रू जो है वो अपन नहीं बताएंगे, उसको किसके आधार पे बताएंगे, फैक्ट्स के आधार पे उसको जो है वो उसको बताएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, फैक्ट्स के ऊपर बात करती है, बकलोल के ऊपर बात नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। फिर इसको बोला गया नियामक विज्ञान है, यानी रेगुलेटिव इसको साइंस कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान को, कि ये क्या करती है, मूल्यांकन करती है। मनोविज्ञान जहाँ भी आए, जहाँ पे भी साइंस आए, वहाँ पे असेसमेंट होता है, यानी कि मूल्यांकन होता है। बच्चे का अपन मूल्यांकन करके अपन उसको क्या कर सकते हैं, उसकी प्रिडिक्शन हमने यहाँ पे करी थी कि उसकी क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो वो अपन किसके थ्रू करेंगे, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन के थ्रू करते हैं। इसी कारण शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा गया है, नियामक विज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एनालिटिक साइंस है। इसके अंदर जो है अपन रीजनिंग या फिर एनालिसिस या मैथमेटिक की सहायता से अपन क्या करते हैं, एनालिटिक यानी एनालिसिस करते हैं। अपन दोस्तों इसमें विश्लेषण नहीं करते, वर्णन नहीं करते, संश्लेषण नहीं करते, अपन क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अपन क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं चीज़ों का। तो इसमें तर्क और गणना करके किसी तथ्य के ऊपर पहुंचना, उसी को क्या बोला जाता है, विश्लेषणात्मक विज्ञान उसको बोला गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में क्या है, विश्लेषणात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक है। ये दोस्तों अपने बात करी कि जहाँ पे मनोविज्ञान का क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में क्या है, व्यवहारिक है, यानी कि अपने व्यवहार में किस प्रकार से चेंज लाया जा सकता है, उसका टारगेट क्या है। शिक्षा क्या है, सीखना और सिखाना। अब सीखेंगे कैसे, व्यवहार में जब परिवर्तन आएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहती है कि व्यवहार में परिवर्तन जो है लाना जरूरी है, और उसी को क्या कहा गया है, तभी कहा गया है इसको कि बिहेवियर साइंस इसको बोला जाता है। बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वहीं पर नेक्स्ट क्या है, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान किसके ऊपर फोकस करती है कि बच्चा जो है हर तरीके से जो है वो नॉलेज गेन कर सकता है, कहीं से भी, समाज के तौर तरीके से भी। तो ये जो है एक सोशल साइंस भी इसको बोला गया है। यानी कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो किसके ऊपर फोकस करती है, वो इस सोसाइटी के ऊपर भी फोकस करती है। तो इसको क्या कहा गया है, सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों दो तीन जो है और इसकी प्रकृति को अपन देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है
और भी इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम बात करें इसको क्या बोला गया है, अनुप्रयुक्त विज्ञान भी इसको बोला गया है। जैसे प्रयोग के आधार पर जो है वो अपन इसमें किसी तथ्य के ऊपर पहुँचते हैं और ये क्या करता है, व्यक्ति के विकास के ऊपर जोर देता है। वस्तुपरक यानी कि हम बात करें तथ्यों के ऊपर आधारित, हम इसके ऊपर जो है साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ के ऊपर पहुँचते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अपने आप में एक वर्णनात्मक विज्ञान है, ये तथ्यों के आधारित जो है वो काम करता है वैज्ञानिक तरीके से। सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव जो है अप्रोच ये हमेशा रखता है। विधायक अपने इससे पहले ही बात कर ली, ठीक है। व्यवहारात्मक यानी कि व्यवहार में वैज्ञानिक तरीके से क्या करता है, परिवर्तन लेके आता है। स्वीकारात्मक यानी कि अप्लाइड पॉजिटिव साइंस इसको माना जाता है। और विकासशील यानी कि जरूरत के हिसाब से जो है वो इसमें किसमें परिवर्तन देखने को इसमें मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ अनुप्रयुक्त यानी कि इसको क्या बोला गया है, अप्लाइड पॉजिटिव साइंस, इसमें जो है अपन विभिन्न प्रकार के तथ्यों के ऊपर सिद्धांतों नियमों पर आधारित क्या करते हैं, गणना करते हैं या किसी चीज़ को समझ पाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो वर्तमान के ऊपर जोर देता है और प्रैक्टिकल करता है, ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिकल करता है, उसी के आधार पे जो है निष्कर्ष निकालता है। वहीं पे बात करें शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो वाई और वॉट का जो है यानी कि क्यों और क्या का उत्तर देता है, इसी के द्वारा उसी शिक्षा की संतोषजनक विधियाँ जानकर कौशलों की शिक्षा प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो भविष्यवाणी करने में भी अपन को पता है क्या है, सक्षम है। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान पर जोर देता है। तो दोस्तों ये कुछ क्या थी, नेचर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी थी, यानी कि हमने बात करी यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। तो दोस्तों अपन ने बात करी कि एक तो क्या है, ये वैज्ञानिक है यानी कि तथ्यों के ऊपर नियमों के ऊपर जो है वो जोर देती है। वहीं पर ये क्या है, अपने आप में अप्लाइड पॉजिटिव साइंस है यानी कि सकारात्मक है और ये नियमों के ऊपर ही चलती है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक है यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लेके आती है वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, अनुप्रयुक्त है। दोस्तों अप्लाइड पॉजिटिव साइंस, यदि आप सी टेट वगैरह केवीएस या एनवीएस जो जितने भी पेपर देते हो तो ये जो नाम है ये आपको जो है फोकस यहाँ पे करने होंगे, अप्लाइड पॉजिटिव साइंस, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंट। तो जितना भी यदि प्रकृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश टर्म को जो है वो आपको फोकस करना है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, इन सभी का अर्थ जो है वो अप्लाइड पॉजिटिव साइंस से होता है, यानी कि अपन किसी चीज़ को प्रैक्टिकल तौर से करते हैं या एक्सपेरिमेंट करके करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, अनुप्रयुक्त बोला जाता है, प्रयोगात्मक बोला जाता है, वस्तुपरक बोला जाता है यानी कि तथ्यों के आधार पर, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बन के, या विधायक, व्यवहारात्मक, स्वीकारात्मक और विकासशील। इन चीज़ों का नाम आते ही आपको अप्लाइड पॉजिटिव साइंस जो है वो लगा देना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये जो बेसिक इंग्लिश की टर्म है वो आपको फोकस करना है। इसके बाद में अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की, कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो परिभाषाएं दी हैं वो किस प्रकार से दी गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी डेफिनेशंस, यानी कि हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने या मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग जो है परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो आप इसमें टिक लगा सकते हो और बाकी जो है टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो एक तो स्किनर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, एक जो है क्रो जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और वुडवर्थ जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है काफ़ी मोस्ट जो है देखने को मिलते हैं, स्किनर की दोनों जो है वो आपको ध्यान रखनी है। वहीं पे एक पेस्टोलॉजी और कॉलसेनिक, वहीं पे ये दोस्तों एक जेम्स ड्रेवर भी कर लेना। तो दोस्तों ये जो है आपको 6-7 जो है डेफिनेशन यहाँ पे याद रखनी है, बाकी अपन सारी यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्किनर। तो स्किनर क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यदि कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़नी जरूरी है। ये किसने कहा, ये स्किनर मानते हैं कि अध्यापक यदि बनने की कोई प्रोसेस है तो वो शिक्षा मनोविज्ञान ही मानी जाती है। ये मान रहे स्किनर कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी करने में क्या है, आधारशिला मानी जाती है। नेक्स्ट है स्काउट। स्काउट क्या मान रहे हैं कि नवीन ज्ञान, जब अपन कुछ नई चीज़ जो है सीखते हैं तो उसका विकास
जब होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये ऐसा कौन मान रहे हैं? वो मान रहे हैं स्काउट। थर्ड है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या मान रहे हैं? कि शिक्षा मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है, कि व्यक्ति जो है वो अपने अड़ोस पड़ोस वातावरण यानी कि स्कूल या फिर अपने सोसाइटी में रहता है और उन्हीं से उसमें आने वाला जो व्यवहार होता है उसी को उन्होंने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान कहा। कि ऐसा ही विज्ञान है जो कहां से ग्रहण किया जाता है? अपने वातावरण के संपर्क से ग्रहण किया जाता है। ऐसा किसका मानना है? वुडवर्थ का मानना है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। जन्म से मृत्यु तक यानी कि वृद्ध अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन कौन सी शाखा करती है? तो वो करती है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति क्या लेता है? अनुभव लेता रहता है और उन्हीं की व्याख्या कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ऐसा कौन मान रहा है? ऐसा मानते हैं क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर फिर से देखो दोस्तों, स्किनर की दो जो है यहाँ पे डेफिनेशन है, एक तो ये है वो आधारशिला अध्यापकों की आधारशिला मान रहे हैं और दूसरा यहाँ पे मानवीय व्यवहार, इंसान का जो व्यवहार है वो कहाँ पे चेंज हो? शैक्षिक परिस्थितियों में जो है अध्ययन करता है। यानी कि हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान स्किनर के द्वारा जो है वो कहा गया है कि शिक्षा के अंदर, शिक्षा देते टाइम पे या लेते टाइम पे, वहाँ पे यदि मानव के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है और उसी का अध्ययन करता है। ऐसा फिर से किसका मानना है? स्किनर का मानना है। फिर रूसो बोलते हैं कि बालक एक पुस्तक के समान है। दोस्तों कितनी प्यारी जो है डेफिनेशन यहाँ पे रूसो ने दी है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो ये कहती है एक शिक्षक के लिए कि एक बालक जो होता है वो उसके लिए क्या है? एक पुस्तक का काम करता है और शिक्षक को एक बालक को पढ़ना चाहिए और उसी को रूसो ने क्या कहा? वही अपने आप में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है कोलसेनिक। कोलसेनिक क्या मानते हैं? कि शिक्षा विज्ञान के सिद्धांतों, शिक्षा मनोविज्ञान के जो व्यवहार में परिवर्तन के सिद्धांत हैं वह परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यदि व्यवहार को परिवर्तन करने वाले जो सिद्धांत हैं वही परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में यदि उनको प्रयोग करें तो उन्हीं को हम उन्होंने क्या बताया? शिक्षा मनोविज्ञान बताया। नेक्स्ट है पील। पील क्या मानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, सबसे छोटा नाम और सबसे छोटी परिभाषा। उन्होंने क्या कहा? कि शिक्षा का विज्ञान ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अपन जो है शिक्षा का बेसिक अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना, और उसी के विज्ञान को यानी किस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन आए, किस प्रकार से सिखाया जाए, किस प्रकार से सीखा जाए, उन्हीं का विज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये पील जो है दो वर्डों का शब्द है और यहाँ पे भी छोटी सी दो शब्दों में ही उन्होंने परिभाषा दी। नेक्स्ट है सेंड्रोक। सेंड्रोक क्या मानते हैं? कि शैक्षिक परिस्थितियाँ, जैसे हम पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं वहीं पर शिक्षण और अधिगम, अधिगम क्या होता है? सीखना, लर्निंग, और शिक्षण यानी कि पढ़ाना के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहलाता है? पढ़ना और पढ़ाना अपने आप में क्या है? दोनों में विभिन्न। इसके बाद में पेस्टोलॉजी जो है वो क्या मान रहे हैं? कि शिक्षा मनुष्य की समस्त क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील विरोधहीन विकास माना जाता है। जैसे उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा जो है मनुष्य की समस्त क्षमताओं, जिसके अंदर एक किसी इंसान के अंदर क्षमताएं होती हैं, कौशल होते हैं, उनका विकास हो जाता है और वो विकास जो होता है उसके स्वभाव में देखने को मिलता है, उसकी प्रगति में देखने यानी कि उसके थॉट जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है और वो थॉट होते हैं उनका कोई विरोध नहीं होता। तो वो जो विकास होता है वही अपने आप में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ये ऐसे कौन मानते थे? पेस्टोलॉजी मानते थे। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेम्स ड्रेवर की। वो क्या मान रहे हैं? कि शिक्षा समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन, खोजों तथा सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करने से संबंधित है। जैसे दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, मनोविज्ञान क्या करता है कि वेरियस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं शिक्षा के अंदर उनको सोल्व करता है। यदि जैसे सोल्व करने के लिए अपन को क्या चाहिए? कुछ सिद्धांत चाहिए, कुछ नियम चाहिए। यदि वो किसी समस्या को सोल्व कर सकते हैं वो सिद्धांत या नियम, तो वो यदि उन्हीं को अपन शिक्षा में यूज करें तो उन्हीं को उन्होंने क्या कहा? जेम्स ड्रेवर ने उसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहा। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन कोई भी बालक के सामने किसी प्रकार की समस्या आ रही है, अपन ने उसके लिए क्या बनाए? कुछ नियम बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए। तो दोस्तों समस्या का समाधान अपन ने नियमों और सिद्धांतों से किया। किससे किया? नियमों और सिद्धांतों से। वही नियम और सिद्धांत मनोविज्ञान में जो है वो क्या करते हैं
क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हीं को शिक्षा मनोविज्ञान नाम दिया। किसने? जेम्स ड्रेवर ने। फिर बात करते हैं स्टीफन की, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है, वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ये कौन मान रहे हैं? स्टीफन। स्टीफन क्या मान रहे हैं कि अपन शिक्षा के अंदर शिक्षा के विकास में क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं, वही क्या है अपने आप में? शिक्षा मनोविज्ञान है। ट्रो क्या मानते हैं कि शैक्षिक, यानी कि शैक्षिक अपने आप में क्या है? पढ़ना और पढ़ाना और परिस्थितियों में रहकर मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करना ही अपने आप में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो दोस्तों ये कुछ डेफिनेशंस थी, ये अपन ने कंप्लीट करी और इसके बाद में अपन लेते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का कोई और टॉपिक जिसमें बात करेंगे उससे संबंधित। तो आपको यहां पे स्किनर की दोनों जो डेफिनेशन वो ध्यान रखनी है, वुडवर्थ की एक, जेम्स ड्रेवर की। इसके अलावा जो है आप पेस्टोलॉजी और रूसो की डेफिनेशन है वो भी, उसके ऊपर भी आप गौर कर सकते हो। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।